होती की तरफ तस्वीरें देख सकते हैं ये कि राष्ट्रपति का जो विशेष दस्ता होता है वो घुड़सवार दस्ता गुजर रहा हुआ। और हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें आज जो 3:30 बजे शिफ्टिंग होगी अमर जवान ज्योति की लौकी उसकी नहीं बल्कि जो 26 जनवरी की परेड की अंतिम रिहर्सल का वो रूप आप देख सकते हैं कि ये इन विशेष घोड़ों में और ये विशेष दस्तों में ये सीधे इंडिया गेट के तरफ जाते हुए और ये परेड मार्च करते हुए। सो ये विशेष दस्ते घुड़सवारी दस्ते जो 26 जनवरी की परेड का वो प्रमुख हिस्सा है और एक तरह से प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। कई सालों से कई सदियों से ये जो पूरी परंपरा है इस परंपरा के तहत जो विशेष घुड़सवार दस्ता आपको देखता हुआ और ये जो घोड़ों की जो नस्लें होती है पीछे का आप अगर कारवां में अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ कि जूम करके दिखाएं कि ये एक परेड का हिस्सा है जो अब आर्टिलरी और जो सेना के टैंक और वो दूसरे जो युद्ध लड़ाकू सामान धीरे धीरे क्रॉस करते हुए। तो बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 26 जनवरी की परेड इन आम कामकाजी दिनों के बीच में चलती है, ट्रैफिक का भी मूवमेंट रखा जाता है और ये इस तरह के जो रिहर्सल है वो लगातार चला करती है। 23 जनवरी को ठीक 2 दिन बाद एक तरह से फाइनल रिहर्सल होगा और इसके बाद सेनाएं रेस्ट में चली जाती है और 26 जनवरी की परेड फिर की जाती है। इस साल ये परेड कई मायनों में अलग होगा क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ये सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प किया गया है, बदलाव किया गया है। कोविड के वजह से सिटिंग अरेंजमेंट जरूर कुछ कम किया गया है जहां आप राजपथ से कम इंडिया गेट के इस पूरे सर्कल के बीच में लाखों की संख्या में लोग बैठा करते थे, इस बार करीब करीब 26,000 के करीब ही लोग बैठेंगे जिसमें 20 से 21,000 के करीब में शहीद होंगे, माफ़ कीजिएगा विशेष अतिथि होंगे। और इसके बाद ये अब ये देखिए कि उस घुड़सवार दस्ते के बाद ये जो सेना का ये जो सेना की टैंक आप एक तरह से आप देखेंगे और ये वो टैंक है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप टाइम्स नौ भारत पे देख सकते हैं जो कि 26 जनवरी की परेड की वो टैंक आप धीरे धीरे करके इंडिया गेट पे जाती हुई इसकी शुरुआत होती है राजपथ पर, राजपथ के उस विजय चौक से इसकी शुरुआत होती है और ये शुरुआत धीरे धीरे करके इस पूरे इसी रफ्तार से एक लय में गति में गुजरते हुए धीरे धीरे ये नाके निकलती है। BMEL जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक कंपनी है मेक इन इंडिया के तहत ये आप गाड़ी देखते हैं और ये पीछे रहा ट्रक और पीछे आप तस्वीरों में और देखेंगे बहुत मनमोहक तस्वीरें और लगातार ये अलग अलग टैंक आ रहे हैं और ये वो टैंक होंगे जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। हम अपने दर्शकों को ये खास तस्वीरें आज दिखा रहे हैं और ये पूरा सीक्वेंस होता है, एक पूरी प्रक्रिया के तहत होती है, पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि इसमें देखिए कि दो जवान एक तरह से टैंक और विशेष तौर पर ये चीजें बनाई गई है और 26 जनवरी को आपको जो परेड नजर आएगी इस दौरान परेड के अलावा जो झांकियां निकलती हैं